हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिग बॉस 14 के बारे में। फिर बिग बॉस 14 को लेकर के घर के बाहर से भी जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बिग बॉस देखते हैं, वो अपने अपने विचार, अपने अपने व्यूज़ रखना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बिग बॉस पिछले एक हफ्ते से काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। आपको पता होगा जो हरकतें कुछ दिनों से राहुल वैद्य कर रहे हैं, चाहे नेपोटिज्म को लेकर हो, चाहे लड़का लड़की को लेकर के हो, और कल जासमीन को लेकर के भी उन्होंने बहुत खींचातानी की। तो यहाँ पे कुछ विचार जो हैं लोग कहने लग गए हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पे करण पटेल ने भी कुछ बातें कही है घर के बाहर से। क्या बातें उन्होंने कही है, चलिए शुरू करते हैं। तो करण पटेल कहते हैं कि राहुल वैद्य बेटा, कभी मर्दों पर भी जोर आजमा लीजिए, मर्दों पर भी जोर आजमा लिया अगर तेरी गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी। और यहीं तक वो नहीं रुकते, इसके अलावा भी वो काफ़ी बातें कहते हैं। कहते हैं कि वन वर्ड टू डिस्क्राइब राहुल वैद्य इज़ डिस्कस्टिंग, राहुल वैद्य इज़ हैंड्स डाउन बिग बॉस 14's बिग ट्रैश। तो इस तरह से बातें करते हुए हमें, या फिर आप कह सकते हो अपने विचार कहते हुए, राहुल वैद्य के प्रति करण पटेल कहते हुए नज़र आ रहे हैं। वेल, अब आप लोग मुझे बताएं, आप इन बातों से एग्री करते हो, नहीं करते हो? क्योंकि यहाँ पे राहुल वैद्य जो भी उन्होंने हाल ही के वीक में किए हैं, जिससे वो काफ़ी दिखना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर के हो, चाहे फिर एक जगह उन्होंने कहा था कि अरे तू जो है जान कुमार, तुम कुमार सानू का बेटा है, तुझे शोभा नहीं देता, इस तरह से, चाहे फिर उन्होंने वो कहा हो लड़का कि पहले तू लड़की मत बन, पहले लड़का बन, वो वाली बात हो, या फिर हाल ही में जिस तरह से उन्होंने जासमिन भसीन से वो जो उन्होंने बैग छुड़ाया, वो बात हो, इनमें से आपको कौन सी बात गलत लगी और आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि जब भी मैं अपडेट, कोई भी वीडियो अपलोड करूं, आप तक सारी की सारी अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।